सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रिसर्च फंडा को और बेल आइकन को दबा दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अर्निंग वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च फंडा में। तो चलिए शुरू करते आज का ट्रिक्स। आज मैंने कोई रिचार्ज ट्रिक्स नहीं लाया हो, आज सिर्फ एक ट्रिक्स लाया हूँ व्हाट्सएप की माध्यम से, ठीक है। अब व्हाट्सएप की एक सीक्रेट ट्रिक्स आप शायद काफ़ी सारा लोगों को नहीं पता होंगे, तो इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ इस ट्रिक को शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, इस ट्रिक का नाम है, अब तो सभी लोग देखते हैं, बहुत ही सारा स्टेटस देखने को मिल जा रहा है व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के अंदर बहुत ही सारा इमेज एंड वीडियो का स्टेटस देखने को आपको मिलेगा, तो काफ़ी सारा बंदा को वो सॉन्ग या वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहे होंगे, तो उन्होंने सोचेंगे तो इसको मैं फाइल मैनेजर पे सेव कैसे करूँगा। तो उस पर कोई सेव करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो चलिए मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा चैनल में आप लोग न्यू विजिटर है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया। तो व्हाट्सएप ओपन करने के बाद देखिए, आपको जाना होगा स्टेटस बार पे। तो स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं बहुत सारा लोगों ने इमेज भी देके रखा है, ठीक है। तो इमेज आप देख सकते हैं, इमेज के तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है वो तो स्क्रीनशॉट नहीं होगा, तो इसको कैसे आप फाइल मैनेजर में सेव करोगे। तो देखिए ये एक सॉन्ग, देखिए मैं साउंड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली एक सॉन्ग चालू हो गया, ठीक है, वीडियो सॉन्ग। तो इसको कैसे आप फाइल मैनेजर में सेव करोगे, सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई थर्ड पार्टी ऐप्स का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली ये व्हाट्सएप ही आपको सेव कर देगा, लेकिन आपको वो ट्रिक जानना है कैसे आपको मिलेगा। तो देखिए आपको सिंपली जाना होगा फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। फाइल मैनेजर के जाने के बाद आपको जिस फोल्डर में एसडी कार्ड या डिवाइस स्टोरेज जिसमें आपका व्हाट्सएप फोल्डर है उसको ढूंढना होगा, ठीक है। मेरा फ़िलहाल डिवाइस स्टोरेज में है, इसलिए मैं डिवाइस में जाकर व्हाट्सएप को चूज़ कर लिया। तो देखिए उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा टू ऑप्शन, डेटाबेसेस एंड मीडिया। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मीडिया पे। तो देखिए मीडिया पे जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, एंड आप ऊपर पे देख सकते हैं होम सर्च एंड मोर करके तीनों ऑप्शन है, ठीक है, उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मोर। तो मोर सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर है सो हिडन फाइल्स, तो उसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे देखिए मेरा एक ऑटोमेटिकली एक फोल्डर आ चुका है डॉट स्टेटस करके, डॉटेड एग दिया हुआ है, एंड्रॉयड का फंक्शन ही ये है, जिस फोल्डर के आगे आप डॉटेड लगा दोगे तो उस फोल्डर हाइड हो जाएगा। तो व्हाट्सएप भी इसको हाइड करके रखा है, तो उस पर आप क्लिक कीजिए एंड देखिए वो जब मैंने वीडियो को आप सिंपली जाकर देखना होगा, एक बार देखने से आपको वीडियो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, कोई ऐप्स का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं वीडियो चला कर दिखा देता हूँ, ठीक है, वो वीडियो ए है। तो ये है आज का छोटी सी ट्रिक्स, आप लोगों को न्यू जानकारी मिल गया तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मेरा वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप लोग सोचेंगे इस वीडियो तो स्टेटस फोल्डर पे है, ये तो हाइड है, तो आप कैसे इसको बाहर ले जा सकते हैं, तो इसको आप सिंपली क्लिक कीजिए एंड मोर कीजिए, मूव कर दीजिए। मूव करके आप जो कोई भी फोल्डर पे, एसडी कार्ड पे जो कोई भी एक भेज दो, वो आगे आपको एसडी कार्ड के अंदर देखिए यहाँ पर कोई ना कोई एक फोल्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो ये है सिंपल सा ट्रिक्स, ठीक है। देखिए उसके बाद आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, देखिए सॉरी मीडिया डज नॉट एग्जिट योर इंटरनल स्टोरेज, मैंने इंटरनल स्टोरेज से हटा कर एसडी कार्ड में डाल दिया, तो व्हाट्सएप में उसको नहीं ढूंढ पा रहा है। तो इसलिए बता रहा हूँ आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, आपको मेमोरी के अंदर
तो ये छोटी सी बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, आप इसको फॉलो कीजिए एंड इसको फिर से आप कैंसिल हिडन फाइल्स कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा बंदे ना हिडन करके रखता है बहुत सारा फोल्डर। तो यही था आज का ट्रिक्स, थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।